ना जाने कब तक हमारा थर्ड कैरेक्टर अनलॉक होगा। अरे ना जाने कब तक मैं और रिचे इस इतनी बड़ी डूड सिटी में अकेले रहेंगे। अरे हमारा चचेरा भाई, अरे हमारा प्यारा दुलारा थर्ड कैरेक्टर पता नहीं कब अनलॉक होगा। हे भगवान, हम उसको अनलॉक करना चाहते हैं। अगर गाइस, अगर मान लो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि आप भी अपना थर्ड कैरेक्टर जो है डूड टफ्टवार का वो अनलॉक करना चाहते हो, तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ गाइस, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। सो गाइस यार, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई यूट्यूब पे ना मतलब कि हर चीज़ का इलाज होता है, हर चीज़ का, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूट्यूब पे इलाज ना हो। सो गाइस यार, मैंने देखा भाई, मैंने सोचा कि यार थर्ड कैरेक्टर को अनलॉक करने में बहुत से तरीके होंगे यूट्यूब। सो गाइस यार, सच में बहुत से तरीके हैं गाइस इस थर्ड कैरेक्टर को अनलॉक करने में। सो गाइस यार, आज उसमें से सबसे इफेक्टिव तरीका, मतलब कि जिस तरीके को आजमाने से ना जो उस बंदे का जो थर्ड कैरेक्टर है वो अनलॉक हो गया था, सो गाइस यार आज वही तरीका आज मैं अपने उस थर्ड कैरेक्टर को अनलॉक करने में आजमाऊंगा। सो गाइस यार, जिससे मेरा तो थर्ड कैरेक्टर अनलॉक हो ही जाएगा, भाई आपका भी हो जाएगा अगर आप वैसा ही करोगे। लेकिन गाइस कल ना ये बंदा मुझे कुछ कह रहा था, भाई क्या कह रहे थे तुम मुझे, गाली वगैरह दे रहे थे। अरे भाई साहब, मैं तो तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। अरे गाली दे रहे थे ना तुम। अरे भाई साहब, गाली थोड़ी ना दे रहा था, मैं तो आपको शायरी बता रहा था। अच्छा शायरी बता रहे थे, हाँ हाँ शायरी बता रहा था। अच्छा आज बता दो फिर क्या शायरी है। अच्छा भाई शायरी सुनोगे, शायरी ये है कि लगती है चोट करते हैं पट्टी और तुम्हारी शक्ल जैसे टट्टी। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इसने गजब पेस्टी कर दी यार, मतलब कि इतनी भूरी। ओ भाई साहब, भाई 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 मजा भाई पिछवाड़े में भरा इसके, भाई मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया भाई इसको मारते हुए। सो गाइस यार, इसने मतलब कि क्या शायरी लिखाई यार, क्या शायरी, मतलब कि इतनी बुरी बेइज्जती की, मैं टट्टी टट्टी जैसी शक्ल है मेरी, क्या भाई हद है। मतलब कि बोल कैसे दिया भाई तुमने, मतलब कि सोचा कैसे कि तुम मुझे ऐसा बोल दोगे और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। है भाई ये क्या तरीका है भाई, डूड सिटी का डॉन हूं मैं और तुम मुझे ऐसा बोलोगे। सो गाइस यार, इस बंदे को ना मतलब कि कुत्ते की मौत मार दिया मैंने। सो गाइस यार, अब भी चलते हैं अपना मतलब कि थर्ड कैरेक्टर जहाँ पर थर्ड कैरेक्टर होता है, और भैया वहीं पर ना मुझे जो टोटका मिला है भाई उस बंदे से ना, भाई जिस बंदे की मैं वीडियो देख आया, भाई मैं 100% श्योर हूँ यार थर्ड कैरेक्टर अनलॉक होगा ही होगा। सो गाइस यार, अभी ना मेरे को यहीं पर ऊपर जाना है। गाइस अगर मैं आपको पूछूंगा भाई थर्ड कैरेक्टर का नाम क्या है, सो आप लोग बोलोगे चैड है, उसका नाम CHAD चैड बोलोगे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, उसका नाम कोई ऑफिशियली किसी ने बोला नहीं है कि ये चैड ही है, ये तो बस एक यूट्यूबर यानी कि जुलिक्स ने अपना ही एक फैन मेड मिशन बनाया था इस करैक्टर को लेकर, और उन्होंने इस करैक्टर का नाम चैड रखा था। लेकिन भाई सच कहूं तो इसका नाम कोई आप ऐसे पूरी शॉर्टी के साथ नहीं कह सकते कि भाई इसका नाम चैड। सो गाइस सर, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे जो वीडियो देखी मैंने टोटका देखा यूट्यूब पे, भैया उस बंदे ने क्या कहा था। तो सर उसने कहा था कि तुम थर्ड कैरेक्टर के पास जाना और भाई उस पे ना डांसिंग वाला ग्रेनेड फेंकना और वो थर्ड कैरेक्टर अनलॉक हो जाएगा और तुम पे ना तब 5 स्टार की पुलिस लग जाएगी और फिर उसके बाद वो जो कैरेक्टर है वो अनलॉक हो जाएगा। सर ये टोटका ना मुझे सच में काफी अच्छा लगा। सर अभी ना मैं जाऊंगा थर्ड कैरेक्टर के पास और भाई साहब उस पे या ना डांसिंग वाला ग्रेनेड फेंकूंगा और भाई साहब ये रहा हमारा थर्ड कैरेक्टर। भाई कब कितनी मतलब कि कितनी उम्र हो गई बेचारे, 100 साल हो गए यहीं पर ऐसे पड़ा हुआ यहीं फ्रीज है। शायद इसको ना किसी पॉक्सी स्टूडियो ने शराब दे रखा है, पता नहीं किसका शराब, शायद ये पेट काट देता होगा भाई, डूर सिटी के सारे पेड़ काट देते हैं ना, इसलिए इसको शराब दे रखा है। सो सर अभी मैं इस पे मारूंगा डांसिंग वाला ग्रेनेड और भाई साहब ये नाचने लगेगा। ओ भाई साहब, अरे गाइस ये नाच क्यों नहीं रहा है भाई, भाई उसका तो नाचने लगा था। एक बार और ट्राई करते हैं। अरे भाई ये फिर से नहीं नाच रहा भाई साहब, ये क्या है भाई, लास्ट अभी मुझे लगता है 2 ग्रेनेड मिस हो चुके हैं अभी इस लास्ट वाले शायद अभी नाचेगा पक्का। अरे भाई साहब गाइस, उस बंदे ने जब फेंका था ना ग्रेनेड तो भैया उसका नाचने लगा था, फिर उस पर 5 स्टार की पुलिस आ गई थी भाई, उस बंदे ने मुझे बुद्धू बनाया, उल्लू बनाया यार उसने। अरे भाई साहब,
भाई भाई ये मैं बहुत बुरा हुआ गाइस मेरे साथ, गाइस बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अरे नहीं। सो गाइस यार, अगर आप भी ना मतलब कि ऐसी वीडियो पे विश्वास करते हो कि भाई थर्ड कैरेक्टर ऐसे अनलॉक होगा, गाइस अगर मैं आपको बोलूँ भाई, बस जो अगर आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी वीडियो चलती हैं यूट्यूब पे, भाई थर्ड कैरेक्टर अब जब आएगा तो भैया ऐसे कुछ इमेजेस होंगे, यानी कि हमारा ड्यूटटवार बीज बन जाएगा, ड्यूटटवार में फॉरेस्ट आ जाएंगे, ड्यूटटवार स्वर्ग बन जाएगा, ड्यूटटवार वो बन जाएगा, ड्यूटटवार ये बन जाएगा। तो गाइस यार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, थर्ड कैरेक्टर अगर इस वाले अपडेट में आना होता ना तो भैया पहले से ही बहुत ही खप डल जाती पूरे यूट्यूब, मतलब पूरे यूट्यूब ने, मतलब पॉक्सर स्टूडियो ने अपने चैनल पे रखा होता कि भाई पॉक्सर स्टूडियो ये वाला चैट वाला मिशन आने वाला है। लेकिन गाइस अभी कोई चैट वाला मिशन नहीं आने वाला, पता नहीं कब आएगा, मुझे लगता है यार अपडेट भी आना है कि नहीं आना, क्योंकि गाइस आप देखो कब से पॉक्सर स्टूडियो ने बोल रखा है कि भाई अपडेट आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं है। भाई हमारे बच्चे खेलेंगे कि क्या ये ड्यूटटवार फिर। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर गाइस इस वीडियो के बाद आप ऐसी कोई वीडियो मत देखना जिसमें ये बोलें कि भाई जो थर्ड कैरेक्टर है ऐसे अनलॉक हो जाएगा, ऐसे अनलॉक हो जाएगा। सो गाइस यार ऐसा कभी नहीं अनलॉक होगा, ये जब ऑफिशियली अपडेट आएगा तब ही अनलॉक होगा। सो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि भाई आप ऐसी किसी वीडियो पर विश्वास ना करें जिसमें ऐसा बोला जाए कि भाई थर्ड कैरेक्टर ऐसे अनलॉक होगा, ऐसे अनलॉक होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।